मेरे लिए 10 साल पुराना है. 2007 में पहली बार आया था, 2017 में आ रहा हूँ, 10 साल बाद वापस घर आ रहा हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है और आपके कॉम्प्लीमेंट ने तो मेरे दिन ही बना दिया. मेरे ना, थैंक यू सो मच. गेट लॉस्ट. अरे वो थोड़ा बच गया उधर ना साइड. हाँ, वो भी लगा ले. लगा यहाँ भी लगा दूँ, यहाँ भी लगा दूँ. क्यों जल रहे हो यार? क्यों जल रहे हो यार? क्यों जल रहे हो? मतलब क्यों? एक्चुअली मैं फेवरेट बेटे में नॉमिनेट हुआ हूँ, तो प्लीज. मैं ऑलरेडी फेवरेट बेटी हूँ, तो इट्स ओके. आप तो मॉल पहला स्टार परिवार अवार्ड्स है इनफैक्ट दोनों का, तो बहुत एक्साइटेड हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं. सो इक्वली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Because this is my first Star Parivaar Awards, and we've also got a nomination, Amla, for Nai Soch, and isliye the excitement is doubled. So waiting for a fun-filled evening. देखते हैं. अरे मरा राम जी, अब फिर से मौका मिल गया अपने पूरे परिवार के साथ. वो तो है, आप है ना दिल के किसी कोने को ज़रूर छेड़ देते हो. बहुत ही बहुत कमी महसूस होगी मुझे, क्योंकि ये पहला परिवार अवार्ड है जिसमें वो मेरे साथ नहीं है. बट उनकी यादें, उनका साथ हमेशा मेरे पास है और वो हमेशा रहेगा. इट्स वंडरफुल. इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, आई टेल यू. द फर्स्ट स्टार परिवार अवार्ड जब हुआ था, तब मैं कहानी घर घर की में काम करती थी एज श्रुति, एंड आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर स्टार परिवार अवार्ड, जो मुझे नहीं मिला था. और आफ्टर 15-16 आई थिंक आज 17 ईयर्स के बाद फिर से स्टार परिवार अवार्ड हो रहा है, एंड आई हैव बीन नॉमिनेटेड अगेन दिस टाइम एज अ लीड एक्ट्रेस फ्रॉम अ शो ऑफ स्टार, और आई विल ऑल्सो बी परफॉर्मिंग. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई एम सो एक्साइटेड. आई थिंक साहब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, एंड बेसिकली आई थिंक आई फ्रॉम नागपुर, तो माई मॉम इज लाइक साहब तेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? ऐसे पता नहीं यार, साहब से पूछना पड़ेगा. आई थिंक यू प्रेड टू मच विद द स्नेक, दैट्स व्हाई. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई लव प्लेइंग विशाखा. इट्स वेरी नाइस. आई डोंट नो इफ यू गाइस आर लविंग इट और नॉट. आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रहा हो, बट इट्स ओ इट्स डैम नाइस यार. इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड. लाइक ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड. अभी तो एक दो दिन बचे हैं, तो हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लगता है इंतज़ार के लिए. हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है पिछले 2-3 महीने में, काफ़ी करेक्ट ग्रुप में शूट किया है, तो मार्च में, और काफ़ी शूट करके हम लोग आ रहे हैं. तो अब देखना ये चाहते हैं कि रिज़ल्ट क्या है, लोग कैसे पसंद करते हैं इसको. तो अब 2 दिन तो बाकी हैं, तो देखते हैं क्या होता है. ऑलमोस्ट देयर. फाइनली यू नो आवर नेम. थैंक गॉड. फाइनली यू गाइस आर एक्साइटेड बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टार परिवार. सो मच. दिख रहा है चेहरे पे? ये दिख रहा है, पसीना दिख रहा है, कितनी मेहनत करके आया हम यहाँ पे. पसीने छूट गए आज. अंदर की कुछ क्वेश्चन पूछो ना यार. आप कर रहा था ये बोल रहा है तो चलो आपस में बात करते हैं. आशीष शिवाले का ब्रॉय, शी इज माय फियांसे. Yeah, that's it. What else you want to know? I don't know. Yeah, exactly. Actually, बड़ा परिवार घर पे रह गया, उनको भी लेके आना था, तो अगर वो आता तो बाकी सब बाहर हो जाते ना, तो इसीलिए सोचा कि नहीं, फिलहाल एक को लेके चलता हूँ मैं.
पूरे वाई जब को सपोर्ट करेंगे हम, और जो जो हमारे नॉमिनेशंस हैं स्पेशली उनको तो सपोर्ट करना ही है। हमारे संधि साहब आज नॉमिनेट हुए हैं फेवरेट ससुर, और हम दोनों एक साथ लेके जाएंगे उस अवार्ड। Nothing like that, it's a coincidence that I am in the red family, but I always love wearing sarees, and so this is more like an Indo-Western take where I'm wearing a ready-made saree, and it's my first time that I'm attending the Star Parivaar Awards, so I thought, you know, something which goes with my on-screen look also, something that I am comfortable also, and because gowns jo hote, most of the people come in gowns, so I thought why not just not wear a gown. So this is what I teamed up for myself. Yes. तो में तो जुड़ा उड़ा होता है ना, तो अलग दिखती हूँ। This is a saree designed by my friend and this is Swarovski and baki everything. Thank you. मेरा गाउन पकड़। Before she starts with her detailed drama of what she's wearing, मैं एक बहुत ही सिंपल सा कैजुअल सा ब्लेजर पहन के आया हूँ, बिकॉज़ आई लव बीइंग कैजुअल, एंड या दैट्स अबाउट इट। मैं भी बहुत सिंपल सा कैजुअल सा गाउन पहन के आई हूँ, इट्स नथिंग टू रिजेक्ट, इट्स वेरी सिंपल, इट्स मेड बाय माय वेरी गुड फ्रेंड। मेंबर ऑफ कोर्स, ये जब मैं हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ पे, ओके ऑलराइट सॉरी, हाँ तो ऑब्वियसली आई एम एक्साइटेड क्योंकि मेरा फर्स्ट शो है ये स्टार प्लस के लिए, और and this is my first time I'm entering any award function mein main first time ja raha, so and I'm doing the opening act, so I'm really excited and happy for it. Hi, kaise hain? Acche Star Parivaar ke liye main kya gana gaega? मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए, देखी करा लाइफ बहुत चेंज हो गया, एंड बहुत शोज मिला, एंड ऑफर भी मिला बॉलीवुड में 5-6 सॉन्ग्स, सो वी आर वर्किंग फॉर दैट इंशाल्लाह, एंड बहुत सारा प्यार मिला है हिंदुस्तान में, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिला, आई एम सो हैप्पी बिकॉज इंडिया, सो मेरा कंट्री भी है, सो आई लव इंडिया, सो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग मुझको इंशाल्लाह बॉलीवुड में भी देखोगे इंशाल्लाह। The black and golden is my all-time favorite, so I'm in that. Apart from that, मैं सोच रही थी हैंड गियर में क्या पहनूं? फिर सोच के सोचा कि नच बलिए का ब्रांडिंग जब है तो फिर हैंड गियर पहनने की जरूरत नहीं। दिस समथिंग इन द फूट ऑल्सो आई कैन शो यू। So I'm wearing a Rocky Star gown. It's a red gown. थोड़ा Indian है. The first time I'm trying Indian for the red carpet, and it has like a red gown and a kurti. अंदर बहुत कुछ होने वाला है, और मैंने सुना है काफी मस्ती होने वाली है, so let's see. मैं भी जा रहा हूँ देखने के लिए. कुछ आइडिया नहीं मेरे को. Yes,
I'm wearing Shilpa Feroz, and it's a haute couture look, and it's really lovely. It's deep green, emerald green with crystals all over. नहीं, मेरा तो लुक अभी तो नॉर्मल है, यंग है, और सीरियल में मैं काफ़ी 70 साल का बूढ़ा बना हुआ हूँ, और बस और क्या पूछना है। अच्छा, भाव बोल रही थी कि अभी मैंने एक गाउन पहना है और मेरे गाउन का कलर पर्पल है और ये फ्लोरल डिज़ाइन है और It's designed by Ellie and Kim, and मेरे असली मिस्टर भल्ला आए लंदन से, and I'm so glad that today he is attending this function with me. I'm so lucky and feeling great. रिजवान सिद्दीकी, my husband. Excitement तो है भाई, पहली बार परिवार का सदस्य बने हैं, तो excitement तो है। हमला सेलेक्ट हुई बहुत अच्छी बात है, और हमला को बहुत बहुत बधाई हमारे शो के लिए भी, और सबकी मेहनत है, डायरेक्टर की भी, प्रोड्यूसर की भी, और थैंक्स टू स्टार और सब टीम को, तो होप करते हैं कि अवार्ड मिले। जी, तो मैं पहले तो पजामा और टी शर्ट पहन के आने वाला था, लेकिन मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इवेंट है तो कुछ अच्छा पहनो, तो आई वो दिस, सो या समथिंग वेरी कैजुअल, समथिंग जस्ट लाइक मी एंड क्लियरली माय जॉ लाइन स्टैंडिंग आउटसाइड अपार्ट, सो या बहुत दूर रखा है इसलिए एक्साइटमेंट थोड़ी सी अंदर जाके और हो जाएगी, कमिंग ऑल द वे इन द ट्रैफिक, सो बट वेरी एक्साइटेड। थोड़ा हटके है, पूरा हटके नहीं, ऐसे मत बोलो, मुझे नहीं पता, निकाल देंगे यहाँ से, बोला गया था लुक में आना है, सो आई एम इन ट्रेडिशनल, बस वो पल्लू सर पे नहीं है मेरे, सीधी संस्कारी जो कहूँ, बट स्टिल आई एम इन ट्रेडिशनल, सो चलता है मेरे ख्याल से। वेल, आई फील रियली ब्लेस्ड, अभी मैं यू नो सारी एनर्जी सोक इन कर रही हूँ, बिकॉज इट्स वेरी अनरियल फॉर मी, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली सच्ची लास्ट मिनट लुक है, क्योंकि मेरा हाथ मतलब आई इंजर्ड माई हैंड, तो मैंने इतना कुछ नहीं किया, सो सिर्फ गाउन पहन लिया, इयररिंग्स पहन लिया और आ गई हूँ। Wearing this plain red gown, that's been styled by my mom. Isa, I have not done anything. Everything has been my mom. पता नहीं, somehow इस बार जब हमें इन्विटेशन मिला, मैंने उसे बोला था कि इंडियन करते हैं, स्टार परिवार इज मोर ऑफ इंडो वेस्टर्न टाइप फील, तो हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि हम कुछ इंडियन पहनेंगे इस बार। वेल, दिस इज अ आउटफिट बाय आध्या, और अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है एक्चुअली, यू नो टू वेयर समथिंग डिफरेंट इज नाइस। देखो, आज बहुत अच्छा मौका मिला है, मेरी छुट्टी थी, सो आई हैड ऑल द टाइम टू डिसाइड माई लुक, टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, एंड दिस इज वॉट इज द फाइनल लुक। आई नो आई थिंक आई फॉलो फैशन, सो आई गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एंड फैशन,
और आजकल ये सब कुछ क्रेप्स एंड बहुत ही फैशन में है. आई थॉट दिस वुड बी परफेक्ट फॉर द ओकेजन. बहुत एक्साइटेड हूँ. स्टार परिवार का हिस्सा मैं बहुत सालों से रही हूँ एंड इस साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज मेरा शो आने वाला है लव का इंतजार जो स्टार प्लस पे आने वाला है 15 मई से. प्लीज़ देखना 2:30 दोपहर. आई एम प्रमोटिंग माई शो. सो एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लवली इवनिंग. थैंक यू. कौन बनेगा करोड़पति? लड़की तो हो गया देखो सामने. इस बार वो दिख गया ना मुझे तो थोड़ा चेंज ओवर आ गया. डिज़ाइनर फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड प्रकृति एंड उनका डिज़ाइनर ये आउटफिट है जो मैंने पहना है अभी फिलहाल एंड आई एम लविंग इट. Hello. Hi. Hello. So I'm wearing this outfit by Kalki and I've kept my hair like very like thoda Hollywood style like gel lagaya hair ko and काफी simple छोड़ा because the dress is too heavy. So less of accessories, just wearing a nice ring. हाँ, चूड़ी का बहुत शौक था तो एक अच्छा सा मौका मिला तो मैंने सोचा. हाँ, इसके बारे में ये कहूँगी कि मेरा मन था कुछ अच्छा सा मम्मी जैसा पहनने का. दे देंगे. तो दिन तो मुझे पहचान ही ना था से पहले. इनका मैं बताऊँगी बिकॉज मैं साक्षी हूँ इस लुक की. आई कॉल्ड हर एट अराउंड 4 एंड आई सेड चलो SPA में चलते हैं एंड शी सेड बट आई वाज़न्ट प्लानिंग अब मैं क्या करूँ. तो 4 बजे से लेकर 4:30 में शी हैज सोर्स्ड हर ड्रेस डन हर हेयर माय डिज़ाइनर सबिता आदिया डिज़ाइनर सो गुड सी. बट इन्हें मेरे घर से अपने घर से मेरे घर में आने में 40 मिनट लगे. सो वहाँ वी लॉस्ट टाइम. आई नो अदरवाइज यू राइट. Glamorous event, so I think so it's a glamorous event, so I think the chamkila is justified. Bahut khushi ho rahi hai. It's my first award function, so I'm really excited, a bit nervous as well because I've got this little dance act in the end. So thodi bahut nervousness bhi hai, but zyada excitement. बहुत ज़्यादा मैं तो एक्साइटेड हूँ. हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. ये हमारा पहला स्टार परिवार अवार्ड्स है और हम दोनों साथ में आ रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे से उनके साथ जुड़े हैं. ये हमारी शुरुआत है. नच बलिए में हम लोग दोनों एक साथ आए हैं तो स्टार परिवार के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं. बस ये तो शुरुआत है, अभी तो रिश्ता जारी रहेगा. I went for a very simple, nice sequenced frock, which is very close to my character of Soumya also, so I thought I'll stick to it. So yeah. सिंपल इज ऑलवेज क्लासिक एंड हम दोनों ने ब्लैक पहना है. रेड कार्पेट के लिए आई थिंक ब्लैक इज द परफेक्ट आउटफिट एंड आई थिंक सिंपल इज इन. आई थिंक दैट लुक्स द बेस्ट एंड आप खुद भी बहुत ही कंफर्टेबल एंड गुड. यू नो यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. Her outfit that I'm wearing, I've stolen my sister's outfit and she made me look all pretty, so yeah. I'm very excited. My friend Nakul
काफी our friend नकुल काफी नॉमिनेशंस है उसके, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं यहाँ हूँ नकुल को प्रमोट करने और उसे सपोर्ट करने, एंड आई होप ही विंस ऑल द अवार्ड्स. पहली बार, पहली फिल्म, पहला शो, पहला प्यार, आई थिंक पहला अवार्ड फंक्शन स्टार परिवार अवार्ड के लिए, इट्स ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर मी. आई लव जो कुछ हफ्तों मैंने नच बलिए पे जज करते हुए मैंने बिताया, मुझे इतना मज़ा आ रहा है. आई सो आज इस परिवार से दूर रहने का मन नहीं कर रहा था. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं आज पुणे में था और स्पेशली इसके लिए, सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट इट. और इट्स बेसिकली अ स्टाफ एटर्निटी स्टार के जो परिवार है वो पहली बार एकजुट होती है, साल में एक ही बार मिल पाते, तो इट्स क्वाइट अ बिग इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तुम लोगों के साथ मैचिंग पहन के आई हूँ. यू गाइज आर ऑल्सो इन स्काई ब्लू एंड आई एम इन स्काई ब्लू. इट्स द समर ब्लू. Now, congratulations to all the winners who have come in late, and best of luck to all the ones who are going to win. And I'm going inside and I'm getting very late. Actually, no, we surprised her with this, so yeah. I think he's getting desier by the day. Yes, I think it was a channel call. I decided what gown I wanted to wear and they chose the color. Arjun host kar raha hai. And he's doing a very good job with it. He's excellent. Thank you so much, Drashti. And Drashti bhi host karne wali hai. Yeah, Joe, please, I'm sure kisi ko nahi dekhna. नहीं नहीं ऐसा नहीं है दृष्टि, तुम बहुत अच्छा करती हो और आप सब देखेंगे दृष्टि का परफॉर्मेंस भी, विच इज़ माइंड ब्लोइंग, एंड एवरीबडी नोज कि ये बहुत अच्छा डांस करती है और विनर भी रह चुकी है. हम तो सिर्फ देखने आए हैं, वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द व्यूअर्स. And we've always been a part of Stars Parivar, so it's great to be here to see and them felicitate and young talent and talent that has been on the channel. So we're just joining in the fun. बस मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, बाकी जो बोलना था इन्होंने बोल दिया. पैसा होता भाई, पैसा खर्च हो तो ड्रेस अच्छी. ये होता घर की चादर निकाल के शीशे लगा के जो पहनो तो अच्छी होगी. पता नहीं ये तो आप बताइए यार, क्या कहना चाहेंगे मेरे लुक के बारे में? बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, बहुत ज्यादा. तो मतलब पहले ऐसे ही लगती हूँ बेकार है? नहीं, आज भी अच्छी लग रही हूँ, पहले भी अच्छी. लड़का इतना कम बोलता है ना, मैं उतनी, इनका टॉक टाइम खत्म हुआ है, मेरा फुल रिचार्ज रहता है. खैर, आज हर्ष के साथ अपने कपल में आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बाकी सब नचबली की वजह से ये बोल नहीं पा रहे. पेन बहुत हो रहा है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टार का हिस्सा बन गए हम. मेरी शुरुआत टीवी की स्टार से हुई थी, स्टार वन से, लाफ्टर चैलेंज से, और हर्ष की भी टीवी की शुरुआत, मतलब टीवी में दिखने की शुरुआत स्टार से हुई है. तो थैंक यू सो मच स्टार प्लस, और बस नचबली देखते रहिए और हमको आपके वोट की बहुत ज़रूरत है. प्लीज़ वोट फॉर अस. देखो जिसका पैर दुख रहा है वही बोल रहा है वोट फॉर अस. वेल, बहुत सारे यूनिक एक्ट्स डिज़ाइन किए गए हैं और बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं, अनोखे अवार्ड्स, तो मज़ा आ रहा है. और यू नो वी आर ऑल नॉमिनेटेड ऑल्सो, तो इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस. एंड इट्स अ वेरी वेरी, मतलब कहूँगा कि बहुत बड़ा बड़ा शो है ये. इट्स अ 360 डिग्री एक्सपीरियंस, पूरा जो सेट है इट्स ऑल अराउंड यू. तो कहीं ना कहीं आई फील इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर दिस ईयर, और इट इज़ लाइक अ ब्रॉडवे म्यूजिकल.
She is wearing something very beautiful styled by Puneet J. Pathak and I am wearing something very cool styled by Shakti Mohan. No, kuch nahi yaar, it's just random clothes. We're just being last ourselves. Minute decision ki aana hai to jaldi se kuch bhi pehen liya, that's it. Bas perform kar rahi hai aur show perform kar raha hai hamare show se to मैंने जब सराय ने पहना उसका ड्रेस तो मैंने बोला मैं भी ब्लू पहन रहा हूँ तो उससे बोला वैसे भी हम हमेशा कोऑर्डिनेटेड होते हैं और आज भी कोऑर्डिनेटेड हैं इट्स एक्चुअली अ कोइंसिडेंस क्योंकि मैं तैयार हूँ लोग सोचते हैं झूठ बोलते हैं हमेशा बट मुझे पता नहीं था कि मोहित क्या पहन रहा था and then suddenly like he's like baby फिर से ब्लू मैंने कहा oh okay you're wearing blue too बहुत ही सिंपल लुक है बट आई डू वांट टू से दिस सो नॉर्मली वी ऑलवेज गेट स्टाइल्ड बाय स्टाइलिस्ट्स एंड डिजाइनर्स लेकिन आज मैंने ये आउटफिट चुना है क्योंकि दिस आउटफिट इज गिफ्टेड टू मी बाय फैंस दे वर सो स्वीट उनमें उन्होंने ये आउटफिट मुझे अपने फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे भेजा था दे सेंड मोहित समथिंग दे सेंड मी समथिंग एंड दे वर लाइक प्लीज क्लिक पिक्चर्स इन इट एंड शो इट टू अस लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये पहन नहीं पाई उस दिन और पिक्चर्स भी क्लिक नहीं कर पाई इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज पहनूंगी सिंस आई वॉन्ट टू एनी वे थैंक देम कि सब हमारे लिए वोट कर रहे हैं नचपलिए में सो दिस इज लाइक एन इवन बिगर थैंक यू कि थैंक यू आई एम लुकिंग प्रीटी बिकॉज ऑफ यू लुक मैंने आज बहुत एलिगेंट सा सिंपल सा बिल्कुल नॉन गौरी जैसा लुक किया है टुडे मैं श्रेनू एकदम दबंग श्रेनू आई है एंड आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल ड्रेसिंग और वेरी मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी ऑल्सो विद दिस टैसल इयररिंग्स Shivani has designed this outfit for me and she always designs for me and she is a magic woman you know I mean I have worked with her in Kabul Hai and Tarhaiya and everywhere you see me she only designs me here also and a big thanks to her because it was a very end moment thing I've just called her I was like oh, okay I'm sorry I just forgot to inform you but yahan mere paas red carpet pe pehenne ke liye kuch acha sa gown nahi hai she just designed it thank you सो आई एम वेयरिंग लेमन ड्रेस चूँकि ये कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट मैंने एक चांस लिया बिकॉज दे वॉन्टेड मी टू वेयर दिस कलर एंड आई थिंक दिस कलर इज सूटिंग मी एंड आई एम वेयरिंग दिस रिंग एंड दिस इयर रिंग परिवार में अगर आप परिवार अवार्ड के लिए आप परिवार के साथ आओ तो उसका मजा ही दुगना हो जाता है ना आज मैं लग रही हूँ पीली बैल अपनी बुराई कर रही हूँ मैं बट आई थिंक आई एम शाइनिंग इन गोल्ड एंड येलो अ वेरी मस्टर्डी कलर जस्ट परफेक्ट फॉर नॉट द रेड कार्पेट बट स्टार परिवार अवार्ड्स और आई थिंक आई लव व्हाट दे व्हाट शिवानी इज गिविंग टू मी शी इज गिविंग मी अ नाइस सेक्सी आउटफिट विद अ ग्रेट बैग
and I think I look happy. I am feeling happy. तो स्टार परिवार का मौका है, साल में एक बार होता है तो थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए. सो वी हैविंग फन विद द डिज़ाइनर. या आई एम नॉमिनेटेड, ऑफ कोर्स आई एम नॉमिनेटेड, और बहुत खुशी की बात है कि मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार परिवार अवार्ड्स, एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी डैम गुड फन. Congratulations.